सजल जलत कामं प्रेमवापी मरायलं अभिनवभवनमालं क्षेमवल्लिप्रवालं नलिनभुवननीलं दानवानां करालं निखिलमनुजपालं नौमितं नन्दबालं ओम शांति शांति शांति। हमारे सभी आत्मीय बंधुजनों को मेरा जय श्रीमन नारायण सप्रेम राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे ईश्वर विश्व पटल पर वर्तमान में एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और सारा जगत सारा विश्व उस संकट से जूझ रहा है। हम सभी भारतवासी उस कोरोना के संकट से जूझते हुए वर्तमान में लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठ करके परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अति शीघ्र इस संकट से हमें उबारो, हमें मुक्त करो। मन में भाव जागा क्यों ना इस वर्तमान इस विषम परिस्थिति में आप सबको जो आप अपने अपने घरों में हैं एक सत्संग के माध्यम से आपको एक मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि तो आज इस वर्तमान परिवेश में हम सभी को एक मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। और मैं पिछले 3 दिनों से जूम ऐप के माध्यम से लाइव अपने सभी प्रेमी जनों को एक सत्संग के माध्यम से लॉकडाउन सत्संग के माध्यम से यही मैं चर्चा कर रहा था कि हम सभी अपने आप को पहचानें, स्वयं को पहचानें, हम कौन हैं, हमारा निज स्वरूप क्या है। क्योंकि जब हम अपनी निजता को नहीं जानेंगे, निज स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हमें आत्मज्ञान आत्मशांति मिल नहीं सकती। और मैं पिछले दिनों में भक्तों को एक चर्चा कर रहा था आप सभी को इस लॉकडाउन के बीच हम अपने इस शरीर को फिजिकल रूप में इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां एक प्रश्न उठा विचारणीय है कि फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ एक हमें इंटरनली इम्यूनिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। शरीर में चाहे कितनी भी प्रतिरोधात्मक शक्ति आ जाए रोगों से लड़ने के लिए, लेकिन हमारे जीवन में यदि एक इंटरनली इम्यूनिटी नहीं है
एक आत्मशक्ति नहीं है, आत्मिक शक्ति नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे, ये निश्चित है, नहीं पा सकते। और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए हमें अपने आप को पहचानना होगा, हम कौन हैं। और हम सुन रहे थे, हम एक शरीर नहीं हैं, अपितु हम कौन हैं, हम सभी एक चेतन आत्मा हैं। हम चेतन स्वरूप में हैं, नित्य हैं। यदि हम ये समझ गए कि हम चेतन हैं, हम चेतन आत्मा हैं, और चेतन एक आत्मा का स्वरूप क्या है कि चेतन आत्मा अपने आप में नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, क्योंकि वो जो चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा से तात्पर्य भीतर रहने वाला वह जीव, जिस जीव का नित्य संबंध है किससे, उस परमात्मा से, उस भगवान से। और मैं सुना रहा था उसी को आधार लेकर हम आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस में जैसा कि बाबा तुलसी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो अंशी है, हम अंश हैं, वो स्वयं आनंद स्वरूप है, वो नित्य है। तो जब हम उसके ही अंश हैं तो हम भी तो नित्य हैं। वो यदि आनंद है तो हम भी तो आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हम स्वयं को भूल गए कि हम अखंड आनंद स्वरूप होते हुए भी परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उद्वेलित हैं, भटक रहे हैं, एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आज संसार में चारों ओर जहां देखो, वर्तमान परिवेश में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई डिप्रेशन है, कोई ना कोई भय बना हुआ है जीवन में। विचार कीजिए, कभी आपने विचार किया, हम सभी के जीवधारी उस मनुष्य मात्र के दुख के कारण क्या हो सकते हैं? क्यों आज वर्तमान समय का एक मनुष्य मानव मात्र परेशान है, दुखी है? तीन कारण हैं, चौथा कोई कारण नहीं। और वो तीन कारण कौन से हैं, चिंतन कीजिएगा एकांत में बैठ करके। मानव मात्र के दुख के तीन कारण हैं। पहला कारण है भूत का शोक, दूसरा कारण है वर्तमान का मोह, और तीसरा कारण है भविष्य का भय। भूत का शोक, भूत माने पास्ट। जब भी हम बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो अपने पास्ट को याद करके शोकाकुल हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, उस अतीत को याद करके। और वो अतीत की यादें हम भुला नहीं पाते। जब बैठते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ, अरे जो बीत गया वो बीत गया। शास्त्र कहता है, गतम न शोचामि, कृतम न मन्ये। बीते को याद मत कीजिए, लेट इट गो, जाने दीजिए। बीती ताही विसारि दे, आगे की सुध ले। एडवाइस गोंस बी बट गोंस, जाने दीजिए उसको, जो बीत गया वो बीत गया।
याद रखिए, जब जब आप अपने अतीत को याद करने बैठेंगे तो अतीत के कष्ट आपको याद आएंगे और आप शोकग्रस्त हो जाएंगे। दुख का पहला कारण है भूत का शोक, मत कीजिए पास्ट को। दूसरा कारण है वर्तमान का मोह, मोह। मोह क्या है? एक अटैचमेंट, मैं और मेरा। यही तो मनुष्य में बाबा तुलसी ने कहा, मैं और मोर तोर दे माया, मैं मेरा तू तेरा। इसी झंझट में, इसी झगड़े में हम लोग जहां दृष्टि जाएगी आपको उस द्वंद का मूल कारण मिलेगा, मैं मेरा तू तेरा, मैं और मोर तोर दे माया। वर्तमान का एक मोह, एक लगाव, एक आसक्ति, एक अटैचमेंट छूट नहीं पाता। और एक बात कहूं, ये मोह क्या है? मोह निशा सब सोब निहारा, देखन स्वप्न अनेक प्रकारा। वर्तमान में हम सभी लोग मोह रूपी निशा में सोए पड़े हैं, और उस मोह निशा में सोने का परिणाम क्या है? बड़े बड़े स्वप्न देख रहे हैं, झूठे स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नों को सजा रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं जी रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। स्थिति हमारी ये हो गई, हमारे जीवन में वो आसक्ति आ गई जो सहज छूट नहीं पाती। हम इतने अटैच्ड हो गए